हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिजीत और एम कंप्यूटर एकेडमी की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एमएस एक्सेल में हम लोग कैसे दूसरा कोई भी बाहर का सॉफ्टवेयर का जो डेटा है उसको हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली एक्चुअली टेक्स्ट डेटा को इम्पोर्ट किया जाता है, तो यहाँ में हम लोग सीखेंगे कि कैसे टेक्स्ट डेटा को इम्पोर्ट किया जाता है और कैसे वेब पेज का डेटा को यहाँ में इम्पोर्ट किया जाता है। तो इसके लिए पहले अगर टेक्स्ट डेटा को इंपोर्ट करना है तो आपको पहले से एक टेक्स्ट डेटा आपको सेव करके रखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक टेक्स्ट डेटा को सेव करके रखा है, आप देख सकते हैं। जो मेरा फाइल है इसका नाम है कंपोनेंट्स, जो कि नोटपैड का फाइल है जिसमें मैंने लिखा है, ये डेटा मैंने यहाँ में लिखा है, ये रिकॉर्ड मैंने यहाँ में एंट्री करके रखा है। तो इस डेटा को मुझे क्या करना है, एमएस एक्सेल में इम्पोर्ट करना है। यहाँ से ये टेक्स्ट जो है नोटपैड है, नोटपैड से इम्पोर्ट करना है। और मेरा फाइल का नाम क्या है, कंपोनेंट्स। तो चलिए इसको क्लोज कर लेते हैं, एमएस एक्सेल को ओपन कर लेंगे। जो एरिया में डेटा को इंपोर्ट करना है वहां में आपको क्लिक कर देना है। तो मुझे फर्स्ट जो सेल है उसमें इंपोर्ट करना है, उसी से इंपोर्ट करना है, तो उसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको डेटा टैब में क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट और फॉर्मूलास, डेटा। तो डेटा टैब में आपको क्लिक करना है और डेटा टैब में फर्स्ट जो ग्रुप आता है उसमें आता है गेट एक्सटर्नल डेटा। तो एक गेट एक्सटर्नल डेटा का जो यहाँ में थर्ड वाला ऑप्शन है फ्रॉम टेक्स्ट, यहाँ में आपको क्लिक कर देना है। तो ये फ्रॉम टेक्स्ट में क्लिक कर देना है। क्लिक करके जो मेरा डॉक्यूमेंट था वो डेस्कटॉप में था, डेस्कटॉप में क्लिक करके फाइल का नाम कंपोनेंट्स था, तो कंपोनेंट्स फाइल को ऐसा सिलेक्ट करके यहाँ में इम्पोर्ट कर देना है। तो इम्पोर्ट करने से यहाँ में ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट, ऐसा कुछ फॉर्मेट आएगा, तो इसको आपको सिंपली नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद ऐसा फॉर्मेट दिखाई देगा, ये कॉलम वाइज ऐसा आएगा, ये दिखाई देगा यहाँ में। तो इसके बाद यहाँ में आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद इसको फिनिश कर देना है। तो फिनिश करने के बाद ये जो ऑप्शन आएगा इसको आपको सिंपली ओके कर देना है। तो ओके करने से आप देखिएगा यहाँ में जो डेटा है, जो कॉम्पोनेंट फाइल का जो डेटा है ऑलरेडी यहाँ में इम्पोर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक टेक्स्ट फाइल का जो डेटा है उसको हम लोग एम एस एक्सेल का जो वर्कशीट है उसमें हम लोग इम्पोर्ट कर सकता है। तो ये टेक्स्ट फाइल हो गया। टेक्स्ट फाइल का साथ साथ में हम लोग क्या कर सकते हैं, वेब पेज का डेटा को भी यहाँ में इंपोर्ट कर सकते हैं। सो इसके लिए पहले आपको जहाँ में डेटा को इंपोर्ट करना है वहाँ में क्लिक कर दीजिए। उसका बाद में फ्रॉम वेब में आपको क्लिक कर देना है। इसका बाद में यहाँ में आपको क्या करना है, वेब एड्रेस यहाँ में पुट करना है। तो आप देख सकते हैं जो मेरा डिफॉल्ट वेब एड्रेस है गूगल, यहाँ में ऑलरेडी आ चुका है। तो अगर आपको दूसरा कोई वेब पेज का डेटा को इंपोर्ट करना है तो वेब एड्रेस आप यहाँ में लिख दीजिए, तो डेटा क्या होगा, ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ में आपको वेब एड्रेस लिखना है। लिखने के बाद में आपको इंपोर्ट बटन में क्लिक कर देना है। और इस ये जो फीचर्स है, ये फीचर्स के लिए आपको क्या करना है, आपका नेट कनेक्शन ऑन रहना पड़ेगा। आप देख सकते हैं मेरा नेट कनेक्शन ऑन है। अगर आप ऑफलाइन में है तो ये फीचर्स एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसका बाद में ये आज इंपोर्ट डेटा बोल के एक पॉपअप आ जाएगा, तो इसमें क्या करना है आपको, ओके में क्लिक कर देना है। तो ओके में क्लिक करने से आप देख सकते हैं यहाँ में गेटिंग डेटा, थोड़ा टाइम बाद आपको दिखाई देगा जो डेटा है, डेटा गूगल का डेटा पूरा यहाँ में इंपोर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ में जो है, यहाँ में ग्राफिक जो कॉम्पोनेंट्स होता है, ग्राफिक कॉम्पोनेंट्स यहाँ में नहीं आता है। तो यहाँ में मेरा जो नेट का कनेक्शन है उस शायद हमें फेल हो गया है, इसलिए हमें नहीं आया है। तो यहाँ में आप देख सकते हैं ये जो डेटा है यहाँ में आ चुका है, लेकिन यहाँ में जो ग्राफिक कंपोनेंट्स है वो नहीं आया है। तो ग्राफिक कंपोनेंट्स यहाँ में एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि हमें जो एम एस एक्सेल है हमें ग्राफिक कंपोनेंट्स नहीं आता है। आप पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन इंपोर्ट जो फीचर है इसमें ग्राफिक कंपोनेंट्स एप्लीकेबल नहीं होता है। तो वैसे ही जैसे कि मैंने यहाँ में वेब पेज से इंपोर्ट किया या तो टेक्स्ट फाइल से इंपोर्ट किया, तो वैसे ही आप यहाँ में दूसरा कोई भी डेटाबेस से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। फ्रॉम एक्सेल फाइल जो एक्सेस होता है, एम एस एक्सेस का जो डेटाबेस है, डेटाबेस से भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ में एबीसी नाम का एक डेटाबेस स्टोर करके रखा है, तो इसमें क्लिक करके भी आप ओपन करने से यहाँ में जो डेटा है वो डेटा इंपोर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ में एक डेटा को इंपोर्ट कर दिया है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो इम्पोर्ट फीचर्स है एम एस एक्सेल का इम्पोर्ट फीचर, जहाँ में हम लोग
आउटर कोई भी सॉफ्टवेयर से हम लोग डेटा को इम्पोर्ट करके यहाँ में ला सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इस वीडियो में थम्सअप जरूर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।